मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, पैरों में दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। थकान या लंबे वक्त तक खड़े रहने के बाद अगर दर्द हो तो उसे नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन लगातार पैरों में ऐंठन या दर्द बना रहे तो इसे नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। जी हाँ, पैरों में हर वक्त दर्द बने रहना और दर्द ठीक करने के लिए आप दवा का सहारा ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम अगर आप झेल रहे हैं और ये समस्या काफ़ी लंबे वक्त से बनी है या आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल के अत्यधिक कम होने के संकेत की ओर इशारा है। पैरों में दर्द होने के साथ अगर आपके अंदर कई और लक्षण नज़र आ रहे हैं जो नॉर्मल ना हो तो आपको इसके लिए किसी अच्छे विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए। ये लक्षण आपके अंदर विटामिन डी की कमी के हो सकते हैं। यही एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में कई बार नेगेटिव तक पाया जाता है। सबसे पहला लक्षण यही है कि अचानक से पैरों और मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है। पैरों में दर्द के साथ ही साथ अगर आपको दांतों में दर्द का एहसास हो, जो कि दांतों से दांत के दबाने पर महसूस होता हो, बार बार इन्फेक्शन हो जाता हो, अचानक से तनाव का बढ़ना या चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये कुछ नॉर्मल लक्षण हैं विटामिन डी की कमी के। खासकर जिन लोगों की स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो, ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, अगर आप धूप में जाने से बचते हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आपके घर में धूप का कोई सोर्स नहीं है और अगर आप खाने में विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो आप आसानी से विटामिन डी की कमी के शिकार हो जाएंगे। ऑर्थोपेडिक मानते हैं कि हड्डियों का टूटना, टेनिस एल्बो का मौजूदा वक्त में मुख्य कारण विटामिन डी की कमी है। हड्डियों में कमजोरी के कारण पैरों में ऐंठन और जोड़ों में दर्द की शुरुआत होती है। आइए जानें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल तरीकों से विटामिन डी लेने की कोशिश करें। बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कितनी है ये जानने के लिए अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, और अगर विटामिन डी नेगेटिव शो हो रहा हो तो आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलें और विटामिन डी की खुराक लें। इसके बाद सुबह के वक्त धूप ज़रूर लें। इसके अलावा अपनी फूड हैबिट में कुछ चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो सालमन और टूना फिश ज़रूर खाएं। इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। कॉड लीवर ऑयल की गोलियां भी आप खा सकते हैं। अंडा भी विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, मक्खन और पनीर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे शरीर की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बात करेंगे अब गाजर की। गाजर का जूस पीने से विटामिन की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। रोज़ाना 2 ग्लास गाजर का जूस आप ज़रूर पिए। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं बेवजह होने वाले पैरों के दर्द को। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी खास जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई पर अभी के लिए बस इतना ही।